जम्मू कश्मीर में आईडी के जरिए धार्मिक स्थलों को दहलाने की साजिश में एनआईए ने रेड शुरू कर दिया है। छापामारी पूरा जम्मू कश्मीर में चल रही है। बता दें कि 27 जून को जम्मू के नरवाल इलाके से आईडी के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और पकड़े गए आतंकियों की पूछताछ के बाद ही अब लगातार रेड चल रही है। गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ये जांच एनआईए को सौंप दी थी, जब आईडी के साथ 2 आतंकी पकड़े गए थे और उसी दिन जम्मू एयरबेस पर 2 ड्रोन से हमला भी हुआ था। कमलजीत संधू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलजीत, अभी क्या खबर, क्योंकि दोनों आतंकियों की निशानदेही पर पूछताछ हो रही है, आगे छापामारी? देखिए, ये जो 3 केसेस हैं उसके रिगार्डिंग ये 14 लोकेशंस पे जम्मू और कश्मीर दोनों ही इलाकों पर रेड चल रही हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ा केस तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन वाला है, जिसके साथ ही उसी दिन 27 जून को एक और आईडी बानीहाल में 5 केजी वाला पकड़ा गया था। उसमें अरेस्ट हुआ नदीम राथर। नदीम राथर के साथ उसके 2 सहयोगी हैं लश्कर ए तैयबा से, वो भी पकड़े गए। और इसी वजह से प्लान सामने आया कि किस तरह लश्कर पहले बाहर यानी बस स्टैंड के इलाके पे पहले अटैक करना चाह रहा था और उसके बाद 2 हमले लगातार बैक टू बैक जो कि एयरफोर्स स्टेशन में हुए। लेकिन टेक्निकल इंटेलिजेंस के चलते आपको पहले ही बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम किया, वो एक अटैक है जो आईडी अटैक है उसे तो रोक पाए थे, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन वाला अटैक ड्रोन के जरिए कर दिया गया। तो हमें बताया गया है ये 2 जो रेड्स हो रही हैं कई जगहों पर वो इंटरलिंक्ड हैं, और क्योंकि नदीम राथर के साथ 2 लोग थे, एक शुपियान से था, बानीहाल से था, उनके घरों के आसपास भी रेड चल रहे हैं, तो लगातार कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई सबूत उसमें और जोड़ा जाए और प्रिवेंटिव एक्शन, जिस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो मंदिरों के लिए हो, चाहे 15 अगस्त में जो जम्मू का ऑफिशियल फंक्शन है उसपे आतंक का छाया है, उसको प्रिवेंट किया जाए। दूसरा जो केस है वो लश्कर ए मुस्तफा वाला केस है, जहां पे हिदायतुल्ला जो कि सेल्फ स्टाइल कमांडर है लश्कर ए मुस्तफा का, उसके लिहाज पे भी रेड चल रही है, वो भी नजर आप बनाए रखिए। कमलजीत, लौटेंगे आपके पास। इस बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही, वो भी आपको बता दें। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जाजीग्राम के जंगलों में फिलहाल सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी है, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। क्या और आतंकी भी वहां हो सकता है, इसी को लेकर फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है। चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है। जाजीग्राम का ये इलाका है जंगली इलाका है, जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है।